Hello my dear students, welcome in my YouTube channel. As you all know, we are discussing this video series for class 10th students. So today in this video lecture we will discuss about the structure of human eye. So in this video lecture I will totally focus on structure and functions of various parts of human eye. So human eye, first point I want to tell you that they are a spherical structure which is present in bony sockets of skull. और जो human eye है वो about 2.5 centimeter इसका diameter है. अगर आप चाहें तो यहाँ पे note भी कर सकते हैं. I am writing these points here. Diameter is about 2.5 centimeter and it consists of tissue present in three concentric layers. और वो जो layers हैं students, उन लेयर्स के बारे में हम लोग पहले पढ़ते हैं. जो आउटर मोस्ट लेयर है स्टूडेंट्स उसको हम लोगों ने बोला है स्क्लेरा. जो मिडिल लेयर है दैट इज कॉल्ड कोरोइड एंड इनर मोस्ट इज कॉल्ड रेटिना. स्क्लेरा को समटाइम्स हम लोग स्क्लेरॉइड भी बोल देते हैं. स्क्लेरॉइड लेयर हो जाएगी. एंड सेकेंड इज, तो आप लिख सकते हैं स्क्लेरा में आउटर मोस्ट है, कोरोइड हमारी मिडिल लेयर है और रेटिना हमारी इनर मोस्ट. नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग डिस्कस करें स्टूडेंट्स, तो जो आउटर मोस्ट लेयर है उसका क्या फंक्शन है, क्या स्ट्रक्चर है. तो पहली बात तो ये जो आउटर मोस्ट लेयर है स्क्लेरॉइड, ये ओपेक है. ओपेक का मतलब कोई भी चीज इससे पास होके ये इट इज नॉट विजिबल. सो इट इज फाइब्रो इलास्टिक कैप्सूल एंड इसका कलर जो होगा थोड़ा व्हाइटिश इन अपीयरेंस है. व्हाइटिश कह सकते हैं आप, व्हाइट कलर का है. और इसका जो फंक्शन है वो आई बॉल की शेप को मेंटेन करेगा. इट विल मेंटेन द शेप ऑफ आई बॉल. नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग बात करें तो जितनी भी इनर लेयर है हमारे आई की उसको ये प्रोटेक्ट करेगा. सेकंड अगर हम लोग लेयर पे चले कोरोइड पे, तो ये हमारी पिगमेंटेड मिडिल लेयर है. आप यहाँ पे लिख सकते हैं पिगमेंटेड लेयर है ये. और पिगमेंटेड होने के साथ साथ के पास बहुत सारे ब्लड वेसल्स जो कि रेटिना को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं. इट विल नरिश रेटिना, ये पॉइंट आप लिख सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग इसके फंक्शन की बात करें, तो ये पिगमेंटेशन की वजह से रिफ्लेक्शन विद इन द आई को प्रिवेंट करता है. और एक फंक्शन मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये रेटिना को नरिश करेगा. और रेटिना की अगर हम लोग स्टूडेंट्स बात करें तो ये इनर मोस्ट लेयर है. यहाँ पे दो तरीके के सेल्स हैं, उन सेल्स पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी. उनका नाम है, दो फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं और उन सेल्स को हम लोग बोलते हैं रॉड एंड कोन. और यहाँ पे एक ऑप्टिक नर्व है जो कि कंटेन करेगी, जो फाइबर्स होंगे हमारे सेंसरी न्यूरॉन के. ऑप्टिक नर्व है जो कि ऑप्टिक वर्ड हमेशा आई के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं. और ये आई बॉल को लीव करेगी फ्रॉम द बैक साइड पे है. और इसका काम क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो है विजुअल इम्पल्सिस को कैरी करेगा. इट विल कैरी विजुअल इम्पल्सिस फ्रॉम द रेटिना टू द ब्रेन, रेटिना से ब्रेन. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे दो तरीके के जेल लिक्विड प्रेजेंट है. एक है एक्वस ह्यूमर और एक है विट्रस ह्यूमर. एक्वस ह्यूमर हमारा जो बाहर का है, ये वाला जो एरिया है, दिस इज कॉल्ड एक्वस ह्यूमर. थोड़ा सा स्मॉलर एरिया है. ये जो बड़ा सा आपको एरिया स्पेस दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड विट्रस ह्यूमर और विट्रस जेल भी कह देते हैं. और इस चैम्बर को हम लोग विट्रस चैम्बर बोलते हैं और इस चैम्बर को एक्वस चैम्बर बोलेंगे. और जो लिक्विड फिल होगा उसको हम लोग एक्वस ह्यूमर बोल देंगे या एक्वस जेल बोल सकते हैं. नेक्स्ट बारी हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी कॉर्निया के बारे में. कॉर्निया की अगर हम लोग बात करें तो ट्रांसपेरेंट है, थिन है, जो कि स्क्लेरा के फ्रंट पार्ट पे आपको दिख रहा है. यहाँ पे ये जो कॉर्निया का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है और इसका फंक्शन होगा कि ये लाइट को पास अलाउ करेगा, लाइट ताकि पास होकर आई में जा पाए. और इसके कर्वेचर की वजह से ये फोकसिंग करके इन्वर्टेड इमेज बनाता है रेटिना. कॉर्निया का कुछ इस तरीके से फंक्शंस हो गए. नेक्स्ट हम लोग आयरिस की थोड़ी सी अगर बात करें, तो आयरिस का क्या फंक्शन होगा स्टूडेंट्स, इस प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करेगा आयरिस. यहाँ का ये जो पार्ट है ये प्यूपिल है, ये वाला पार्ट.
इस प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करने के लिए स्टूडेंट्स क्या होगा हमारे पास, आयरिस, इट विल कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल एंड इट विल कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग, कितनी अमाउंट ऑफ लाइट जा रही है वो भी आयरिस ही कंट्रोल करेगा। तो आप इसको कह सकते हैं ये पिगमेंटेड सर्किल, दिस इज पिगमेंटेड सर्किल विच इज अटैच टू द सीलियरी बॉडी। आपको दिख रहा है यहाँ पे सीलियरी बॉडी से अटैच होगा इन द फ्रंट ऑफ लेंस एंड इट्स पिगमेंट गिव्स कलर टू आई, जैसे कि ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, ये सारे पिगमेंट्स होंगे। नेक्स्ट हम लोग सीलियरी बॉडीज की बात कर लेते हैं, सीलियरी मसल्स की बात करते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स सेट है स्मूथ मसल्स का और ये अल्टर करेगा शेप ऑफ, इट विल अल्टर शेप ऑफ लेंस, अल्टर शेप ऑफ लेंस, लेंस के शेप को अल्टर कर सकता है। और सीलियरी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन भी होगा यहाँ पे, जिसकी वजह से स्फेरिकल शेप होगा लेंस का। और हमारे पास पोस्टीरियर कैविटी है और एंटीरियर कैविटी है, दो कैविटीज हैं। और जो व्हाइट कलर का आई का पोर्शन होता है बेसिकली हम लोग उसको यहाँ पे हम लोगों ने आउटर मोस्ट लेयर में स्क्लेरा लिखा है उसको हम लोगों ने। और एक ग्लैंड की अगर बात कर ले स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो एक ग्लैंड प्रेजेंट है उसका नाम है लैक्रिमल ग्लैंड, जिसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में टीयर ग्लैंड बोल देते हैं। इसका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये क्या करेगा कि इसके पास एक एंजाइम होगा जिसका नाम है लाइसोजाइम। इस लाइसोजाइम नाम के एंजाइम से क्या होगा, ये जर्म्स को किल करेगा। जब भी कोई डस्ट पार्टिकल्स हमारी आई में एंटर करेंगे तो ये लैक्रिमल ग्लैंड से हमारा सिक्रीट होने लगता है टीयर, और जो लाइसोजाइम्स होते हैं वो किल करते हैं जर्म्स को। सो इसके सिक्रीशन की वजह से जो डस्ट पार्टिकल्स है वो वॉश अवे हो जाएंगे और आई को लुब्रिकेशन प्रोवाइड होगा। और ये अपर आई लिड टूवर्ड्स द आउटर कॉर्नर ऑफ आई पे प्रेजेंट है, और ये जो ग्लैंड है डक्ट के, इट विल पोर सिक्रीशन ओवर द फ्रंट सर्फेस। और इसके बाद एक पॉइंट थोड़ा सा यहाँ पे मिसिंग है, जो कि कंजंक्टिवा यहाँ पे लेबल्ड नहीं किया गया है। जो कॉर्निया के ऊपर वाला पार्ट है इसको हम लोग कंजंक्टिवा बोल सकते हैं। इस पार्ट को आप कंजंक्टिवा यहाँ पे मार्क कर लें। और कंजंक्टिवा का फंक्शन भी हम लोग देख लेते हैं क्या है। जो कंजंक्टिवा होता है ये कॉर्निया को प्रोटेक्ट कर, आप देख रहे हैं कि कॉर्निया के बाहर की ओर है कंजंक्टिवा, तो ये कॉर्निया को प्रोटेक्ट करेगा। और ये ट्रांसपेरेंट एक लेयर है जस्ट ओवर द कॉर्निया, विच इज अ थिन लेयर विच इज प्रेजेंट ओवर कॉर्निया। नेक्स्ट हम लोगों ने आयरिस को डिस्कस कर ही लिया है, प्यूपिल हमारा हो गया, रेटिना हो गया, मैंने आपको बताया कि रेटिना पे ही इमेज बनेगी, इन्वर्टेड इमेज बनेगी किसी भी ऑब्जेक्ट की एट द रेटिना। और यहाँ पे ब्लाइंड और येलो स्पॉट्स यहाँ पे मार्क नहीं किया गया है, तो आप चाहें तो यहाँ पे पीछे की तरफ येलो स्पॉट लिख सकते हैं, फोविया सेंट्रलिस बोलते हैं इसको, येलो स्पॉट। और हमारे पास येलो स्पॉट होगा और एक ब्लाइंड स्पॉट होगा, ब्लाइंड स्पॉट नियर ऑप्टिक नर्व मिलेगा यहाँ पे कहीं, दिस इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। यहाँ पे कोई भी इमेज नहीं बनेगी इसीलिए इसका नाम ही ब्लाइंड स्पॉट रखा गया है। और जो येलो स्पॉट है यहाँ पे सबसे ब्राइटेस्ट और शार्पेस्ट इमेज, ये पॉइंट थोड़ा सा आपको मेमोराइज करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करते हैं, ब्लाइंड स्पॉट पे कोई भी इमेज नहीं बनेगी, ऑप्टिक नर्व का मैंने आपको फंक्शन बताया। लेंस की बात थोड़ी कर लेते हैं, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला बात तो ये है कि यहाँ पे कौन सा लेंस हम लोग यूज कर रहे हैं, लेंस कैसा होता है। तो पहले तो मैं टाइप ऑफ लेंस बता दूं आपको कि यहाँ पे बाइकॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है, और ये ट्रांसपेरेंट होता है, इलास्टिक होता है। और यहाँ पे क्या होगा, ये एडजस्टमेंट करेगा फॉर फोकसिंग ऑफ लाइट ऑन रेटिना, ये लेंस जो है एडजस्टमेंट करेगा कि कितनी लाइट को फोकस करना है रेटिना पे ताकि इमेज बन पाए। और कुछ इस तरीके के इसके पार्ट्स के फंक्शंस हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई समझ में आया होगा। और बाकी एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगी जिसमें कि हम लोग रॉड एंड कोन सेल्स के बारे में सेपरेटली डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा एक्वस और विट्रस ह्यूमर के बारे में भी मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में कंपेरेटिव व्यू दूंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, आई होप स्टूडेंट्स वी विल मीट सून, थैंक यू ऑल ऑफ यू। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स।